हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ये ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बनाना, बी सिट्रस, ऑप्शन सी लीची एंड ऑप्शन डी है ग्रेप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बनाना। क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन रेट हार्वेस्टिंग के बाद कंटिन्यू रहती है, इथाइलिन का प्रोडक्शन भी कंटिन्यू होता है, उसे बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो इसका ऑप्शन ए सही है बनाना। क्वेश्चन नंबर टू है रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी बेल, ऑप्शन सी पोमग्रेनेट एंड ऑप्शन डी ड्राई करौंदा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ड्राई करौंदा। रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इन ड्राई करौंदा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है बेल और ऑप्शन डी है करौंदा। इसमें सही होगा ऑप्शन सी, ये जो है बेल, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, पाइन एप्पल वैरायटी फॉर कैनिंग। कैनिंग के लिए पाइन एप्पल की कौन सी वैरायटी का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है क्वीन, ऑप्शन बी है की, ऑप्शन सी है मेरुटिस और ऑप्शन डी है कैने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पाइन एप्पल वैरायटी फॉर कैनिंग, ऑप्शन बी इज राइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मैंगो वैरायटी विद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इज। मैंगो वैरायटी विद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इज, मैंगो की वो कौन सी वैरायटी है जिसमें फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, मींस फ्लेवर ज़्यादा होता है, कौन सी वो वैरायटी है? ऑप्शन ए है दशहरी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी है लंगरा एंड ऑप्शन डी है फाजली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दशहरी में फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। मैंगो वैरायटी विद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इज दशहरी, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सिक्स, कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज में इस्तेमाल होने वाला सामान्य रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ऑप्शन ए है इथाइलिन, ऑप्शन बी है कार्बाइड, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, टोमेटो फ्रूट फॉर प्रोसेसिंग आर पिक्ड एट। प्रसंस्करण के लिए टमाटर के फलों को तोड़ लिया जाता है किस अवस्था में? पिक स्टेज, हार्ड राइप स्टेज, ओवर राइप स्टेज एंड मैच्योर स्टेज। इसका सही आंसर होता है हार्ड राइप स्टेज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हार्ड राइप स्टेज। टोमेटो फ्रूट फॉर प्रोसेसिंग आर पिक्ड एट, ऑप्शन बी इज राइट हार्ड राइप स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन इन स्टोरेज। भंडारण में प्याज के अंकुरण को नियंत्रित के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मींस जो स्टोरेज में जो ओनियन होता है उसमें स्प्राउटिंग होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? फर्स्ट है मैलिक हाइड्राइस जिसे MH बोलते हैं, सेकेंड है इथाइलिन, थर्ड है जिब्रेलिन एंड फोर है ऑल ऑफ द एबव, मीन्स ये सभी। इसका ऑप्शन ई राइट होगा मैलिक हाइड्राइस MH। MH केमिकल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन
इन स्टोरेज। ऑप्शन ए इज राइट, मेलिक हेट्राइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। टोमेटो फ्रूट फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फलों की कटाई किस अवस्था में की जाती है, स्टोरेज के लिए किस अवस्था में टोमेटो का हार्वेस्टिंग किया जाता है। ऑप्शन ए है मैच्योर ग्रीन स्टेज, ऑप्शन बी है रेड राइप स्टेज, ऑप्शन सी है इमैच्योर ग्रीन स्टेज एंड ऑप्शन डी है हाफ राइप पिंक स्टेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, रेड राइप स्टेज। रेड राइप स्टेज पर मैंगो की हार्वेस्टिंग की जाती है कैनिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट आपको बता दिया था, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का इसमें एग्जाम्पल पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए है पाइनएप्पल, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है ग्रेप एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। मीन्स नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन रेट हार्वेस्टिंग से पहले हाई होती है। मीन्स जो फ्रूट्स ट्री पर ही राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। एग्जाम्पल के लिए हो गया ब्लैकबेरी, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, किन्नो, मौसमी, ग्रेप, पोमग्रेनेट, बेर, लीची, ये जितने भी हैं ये सब आते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में। क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद राइप होते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, हार्वेस्टिंग से पहले जो फ्रूट्स पक जाते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। पैकेजिंग मटेरियल फॉर कट फ्लावर, कट फ्लावर के लिए कौन से पैकेजिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, वुडन बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स एंड कैरेट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होता है कार्डबोर्ड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट कॉमोडिटी फॉर विच ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग रूल वर फ्रेम्ड इज, ऑप्शन ए है टोमेटो, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है ग्रेप, ऑप्शन डी है ऑनियन। पहला फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसके लिए ग्रेडिंग और विपणन नियम बनाए गए थे वह है, मीन्स वो कौन सा पहला फ्रूट्स या वेजिटेबल है इन ऑप्शन में से जो ग्रेडिंग और विपणन नियम बनाए गए थे जिसके लिए। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा सी ग्रेप। फर्स्ट कॉमोडिटी फॉर विच ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग रूल वर फ्रॉम रूल बर फ्रेम इज ग्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रिक्यूसर फॉर इथाइलिन, ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी है मिथियोनिन, ऑप्शन सी है एवीए एब्सिसिक एसिड एंड ऑप्शन डी है आईएए इंडोल एस्टिक एसिड। इसका सही आंसर होगा मिथियोनिन। प्रिक्यूसर ऑफ इथाइलिन इज ऑप्शन बी इज राइट, मिथियोनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एलिफेंट फुट याम इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन, जो एलिफेंट फुट याम है उसमें विटामिन कौन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन ए ए एंड बी, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी सी एंड डी एंड ऑप्शन डी ओनली बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी, एलिफेंट फुट याम में विटामिन ए और विटामिन बी अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मेलन्स फॉर डिस्टेंट मार्केटिंग आर पिक्ड एट, मीन्स जो मेलन होता है डिस्टेंट मार्केटिंग के लिए किस अवस्था में पिक किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्रीन मैच्योर स्टेज में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन कलर जूस फॉर प्रिजर्वेशन इज, रंगीन रसों में संरक्षण के लिए प्रयुक्त परिरक्षक कौन सा है, प्रिजर्वेटिव कौन सा है, मीन्स कलर जूस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी केएमएस, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड एंड ऑप्शन डी मैलिक हाइड्राइज एमएच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, बेंजोइक एसिड।
द प्रिजर्वेटिव यूज इन कलर जूसेस फॉर प्रिजर्वेशन इज ऑप्शन सी इज राइट, बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी है थांजावुर. इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी थांजावुर, जो तमिलनाडु में स्थित है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. हाईएस्ट रेट ऑफ स्थाइलिन सिंथेसिस इज सीन इन. एथिलीन संरक्षण की उच्चतम दर किसमें देखी जाती है? पाइनएप्पल, मैंगो, पैशन फ्रूट एंड ग्रेप. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, पैशन फ्रूट. पैशन फ्रूट में हाईएस्ट रेट ऑफ इथाइलिन सिंथेसिस देखा गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन कैनिंग ऑफ मैंगो पल्प इज. आम के गूदे की डिब्बाबंदी में प्रयुक्त पररक्षक है. फर्स्ट है सिट्रिक एसिड, बी है पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट, सी सुगर एंड डी सोडियम बेंजोएट. इसका ऑप्शन बी इज राइट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइट. इसका यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन कैनिंग ऑफ मैंगो पल्प. मैंगो का जो पल्प होता है उसकी कैनिंग डिब्बाबंदी के लिए पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर इन फ्लावर प्रिजर्वेशन सोलूशन. फ्लावर प्रिजर्वेशन करने के लिए जो सोलूशन बनाया जाता है उसमें कौन सा शुगर का यूज किया जाता है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज. फर्स्ट ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी है गैल्टोज ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी है माल्टोज एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज. तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट, सुक्रोज. फ्लावर प्रिजर्वेशन के लिए सुक्रोज का सोलूशन यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इंक्रीज द इथाइलिन प्रोडक्शन ड्यूरिंग रैपनिंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ. ऑप्शन ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऑप्शन बी क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऑप्शन ए एंड बी नॉन ऑफ द एबव. पकने के दौरान इथिलीन उत्पादन में वृद्धि किसकी विशेषता होती है? इसका ऑप्शन बी इज राइट होता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट. पकने के दौरान इथिलीन उत्पादन में वृद्धि किसकी विशेषता होती है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट की. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. सूटेबल फ्रूट फॉर चिप्स प्रिपरेशन इज. ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी बेल, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी बनाना. इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट, बनाना. बनाना का भी चिप्स बनाया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम दिस फ्रूट. इन फ्रूट्स में किसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए पपाया, ऑप्शन बी ग्रेप, ऑप्शन सी बनाना एंड ऑप्शन डी सिट्रस. इसमें सही होगा ऑप्शन डी इज राइट, सिट्रस. सिट्रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. विच वन इज ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट. इसमें से कौन सा प्रोडक्ट फर्मेंटेड है? वाइन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉस, ऑप्शन सी जैम एंड ऑप्शन डी जेली. इसमें फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वाइन. वाइन का फर्मेंटेशन के बाद ये प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे वाइन कहते हैं. थैंक यू.